नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज ओम प्रकाश यादव छत्तीसगढ़ से। आज हम इस दवा की खासियत बताएंगे आप लोगों को। ये गीले में है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये अलग सी दवा है। तो ये जो दवा है ये 2 लकवा पेशेंट को ठीक कर सकता है, इतना ही दवा। और नस में कैसा भी प्रॉब्लम हो, कमज़ोरी हो, सभी चीज़ के लिए ये काम आएगा। ये दवा अकेला ही काम करता है। और इस दवा की खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए। माता जी जो बैठे हैं ये बस्तर से आए हैं, बस्तर बुराई नहीं, बस्तर है माथे ना, बस्तर में थे तो ये बुराई साइड से आए हैं, लिखमा ना। हाँ, लिखमा से। तो इनका जो पैर फ्रैक्चर हुआ था और हड्डी जो है पाउडर की तरह हो गया था 15 साल पहले, 15 साल से भी ज़्यादा हो गया करके ये बोल रही हैं। कम से कम 15 से 20 साल होगी सो। हाँ, 20 साल हुई सो। तो आपके पैर में आपको चलने में कितना परेशानी था, चल पा रहे थे कि नहीं? आप थोड़ा बहुत सीधा हुआ था। नहीं, आप पहले चल पा रहे थे कि नहीं? हाँ, अनेक घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप चल नहीं पाते थे। हाँ, ये क्या है, जमीन में फिसल कर चलते थे, यानी कि ये मान लो घसीटते हुए जमीन में चलते थे। लेकिन आज हमारे पास 2 माह से ये दवा पी रहे हैं, तो हम आज इसको चला के आपको दिखाते हैं। चल के दिखा माता राम, खड़े होना। ये देखो, उनका वो लाठी है उस साइड, लेकिन ये अब अपने पैरों में खड़ा हो गया। लेकिन इनको लाठी का सहारा लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 15-20 साल पुराना जो हड्डी है वो अभी धीरे धीरे जुड़ रहा है, तो आप लाठी को सहारा बनाकर रखें करके बोले हैं इनको हम। तो चल के दिखाइए, होती चल होती। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये चल रहा है, जो घसीटते हुए जमीन पर चलता था जैसे बच्चे लोग माड़ी के बाहर चलते हैं वैसी टाइप से, लेकिन आज ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और सिर्फ लाठी को सहारा के लिए रखे हैं, ये बगैर लाठी के भी चल पाएंगे। लाठी उठा चल माता राम, ये देखो हाँ, ये आप बगैर लाठी के भी चल पाते हैं, लेकिन लाठी को हम सहारा के लिए दे रहे हैं। ये क्योंकि 20 साल पुराना इसका हड्डी टूटा था, पाउडर हो गया था, ये बिल्कुल ही चल नहीं पा रहा था। तो आप लोग देख लीजिए, ये है अपनी दवा, इसे हम मोती संजीवनी के नाम से जानते हैं।